मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर की जो है वो तीन लेक्चर तीन सीरीज में आएगी। पहली लेक्चर जो भी है उसमें हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्या होता है, कैसे चेंज होता है, क्या इसका इफ़ेक्ट है, कौन चेंज करता है, कहाँ यूज़ होता है। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज की हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, वही चीज़, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे यूज़ होता है, कौन इस्तेमाल करता है, कब इस्तेमाल करता है, एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। और तीसरी जो लेक्चर आएगी वो आएगी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। आम तौर पर सारे कंट्री मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को एक साथ कैरी करते हैं, ये नहीं कि एक एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले मॉनेटरी देखा, फिस्कल देखा, फिर थर्ड में हम लोग पॉलिसी मिक्स देखेंगे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को कैसे रेगुलेट किया जाता है, एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। US का 1970 से लेकर के 2011 तक का हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि कैसे US के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का कैसे यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये तीन लेक्चर में आएगा, तीन सीरीज़ में। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस चीज़ की, इस चैप्टर पढ़ने से पहले, कि आपको IS एंड LM मॉडल अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का लिंक, IS LM मॉडल, इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जा करके चारों वीडियो देखे, उसके बाद ये देखे, क्योंकि उसके बिना ये समझ में आने वाली नहीं है। सो प्लीज़, तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में मनी या सोनो, मनी मतलब कि मनी, जब इकॉनमी में मनी में कोई चेंजेस आती है तो वो किस कारण से आती है, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण से आती है, ठीक है। मनी बढ़ाना, मनी सप्लाई बढ़ाना, मनी सप्लाई कम करना, या स्टॉक बढ़ाना या मनी स्टॉक कम करना, तो उस चीज़ को हम लोग के कौन से पॉलिसी से वो सब इफ़ेक्ट होता है, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी से इफ़ेक्ट होता है। सो अगर चेंज करना है हमको, ठीक है, इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई, तो कौन सा पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब आते हैं कौन कौन इसे चेंज करता है, कौन डिसाइड करता है कि मनी कम करना है ज़्यादा करना है, तो सभी कंट्री के सेंट्रल बैंक, समझ रहे हो, मतलब सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं कि मनी ज़्यादा रहेगा इकॉनमी में, कम रहेगा, ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं। दैट्स मीन्स इंडिया के केस में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो मनी सप्लाई चेंजेस के कारण कौन रेगुलेट करता, RBI रेगुलेट करता, समझ रहे हैं ये चीज़। अब बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसा हो सकता है। देखो, चाहे तो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपेंसरी, समझ रहे हो ना, एक्सपेंसियोनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या क्या हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसरी का मतलब, एक्सपेंस का मतलब फैलना, फैलना का मतलब मनी सप्लाई बढ़ा देना, यस और नो? तो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि मनी सप्लाई जो होगा भैया वो बढ़ा दिया जाएगा, समझ रहे। एक्सपेंसरी का मतलब कुछ भी है, मतलब बढ़ाना एक्सपेंसरी का मतलब। और कॉन्ट्रैक्टरी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स छोटा करना, मीन्स वॉट, यहाँ पे मनी सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? सो ये दो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आर ऑफ द टू टाइप। फर्स्ट, चाहे तो इंक्रीज करेंगे दैट इज एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, चाहे तो हम लोग डिक्रीज करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ये चीज़। अब देखिए, अब बात आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा दो तरीके का होता है, लेकिन ISLM का यूज़ कहाँ है। तो आइए, अब ये क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई जो है, ये सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसको इफेक्ट करता, IS कर्व को या फिर LM कर्व। इसलिए मैं बोला कि पहले वीडियो जा करके देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। IS कर्व को इफेक्ट करता है या LM कर्व,
तो देखना, IS कर्व के लिए हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया था कि y इज इक्वल टू अल्फा जी ए माइनस बी आई होता है, यस और नो? यस। इस LM के लिए बात किया था कि हम लोगों का क्या होता है LM के लिए, यहाँ पर L इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बार बाई पी बार, यस और नो? ये चीज़ हम लोगों ने बात किया था, है ना? अब ये बताइए, एम का मतलब यहाँ पर क्या था? मनी। किसके अंदर है? LM कर्व के अंदर, समझ रहे हो कि नहीं? LM कर्व, ऐसे भी LM कर्व को क्या कहा जाता है? जब इंटरेस्ट रेट और इनकम का ऐसा रिलेशन हो कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, यस और नो? कौन सा मार्केट? LM कर्व को कहते हैं मनी मार्केट। तो यहाँ पर मनी की बात हो रही है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या चेंज करेगा, LM या IS? तो LM कर्व चेंज करेगा, नॉट अफेक्ट IS। Getting my point, yes or no? है ना? Directly effect नहीं करते, indirectly effect करते हैं, जो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो हमारा क्या, LM curve change करेगा monetary policy change होने के कारण, because LM is a money market, समझ रहे हो? LM का जब हम लोग derivation देखे थे, उसके अंदर M bar बटा P bar, that is supply of money था। Getting my point, yes or no? तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके अंदर कैसे चेंज करेगा, ये सुनो, LM कैसे चेंज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट LM कर्व, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण LM कर्व को इफेक्ट करेगा? हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होगा तो LM कर्व चेंज ही होगा, कैसे भैया बताइए? तो दिस गेटिंग, ये देखिए, हम लोग कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर हाई इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच का रिलेशन, यस और नो? दिस इज अवर IS कर्व, दैट इज नेगेटिवली स्लोप, वी सी इन द प्रीवियस वीडियो। दिस इज अवर LM कर्व, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, यस और नो? हाउ चेंज इन मनी सप्लाई इफेक्ट LM कर्व। अब देखना, सपोज डैट सरकार जो है दो तरीके की पॉलिसी, एक्सपेंसरी एंड द कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। सपोज हम लोग लेट मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, ये सुनो, हाँ या ना? मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। ये क्या करता है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी? LM कर्व को जो है वो शिफ्ट करता किधर की ओर? राइटवर्ड की ओर। किधर की ओर? राइटवर्ड की, ठीक है? एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से हमारा LM कर्व जो है वो शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? कैसे इफेक्ट कर रहा है देख रहे हो ना? तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो। तो पहले अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर कितना इनकम है? Y जीरो, इंटरेस्ट रेट I जीरो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होके I वन, और ये कितना है? Y वन। गेटिंग, शिफ्ट हो जाने के कारण क्या हुआ? यहाँ से देखा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस, मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया। क्यों हो गया कम? अब समझना, बैंक ने क्या किया, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी RBI ने अपनाया, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दिया, बैंक को पैसे दिए, ठीक है? बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बैंक के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो पैसे को बैंक क्या करना सोचेगा? लोन देना लोगों को सोचेगा। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके पास है और आपको किसी को देना है तो आपको क्या करना होगा? उस चीज़ का रेट कम करना होगा, तब ना वो चीज़ बिक सकेगी, वरना नहीं बिक सकेगी। तो बैंक को क्या करना होगा? इंटरेस्ट रेट कम करना होगा, तब उसका जो इतना ज़्यादा उसके पास सप्लाई है तब लोन आ करके लोग लेंगे, वरना नहीं लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? मतलब सप्लाई यहाँ पर मनी का बढ़ गया डिमांड से ज़्यादा, समझ रहे हो कि नहीं? सप्लाई अगर ज़्यादा है डिमांड से तो क्या होता है? प्राइस कम हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, यस और नो? सो दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो समझना, इंटरेस्ट रेट कम है तो अब बताओ, आपका अगर कंपनी है तो आप लोन ज़्यादा लोगे या कम लोगे? ज़्यादा लोगे। अगर लोन ज़्यादा लोगे तो तुम मशीन जो है वो ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? ज़्यादा खरीदोगे। अगर ज़्यादा मशीन खरीदोगे तो बताओ तुम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे या कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे?
ज़्यादा करोगे तो आउटपुट ज़्यादा होगा। अगर तुम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ये बताओ कि तुम्हारा कमाई प्रॉफिट बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा, ये सुन लो। सो इनकम भी बढ़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट? ये सुन लो। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसरी मॉनिटरी पॉलिसी, कि मनी सप्लाई बढ़ेगा, LM कर्व शिफ्ट किधर की ओर करेगा? राइटवर्ड की तरफ करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? सप्लाई बढ़ गया डिमांड से, दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस। बैंक को देना है लोन, तो लोन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एस ऑर नो? तो ये चीज़ है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है ना। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ क्या होगा हमारे यहाँ पे, अगर देखते हैं कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस इज अवर IS कर्व, दिस इज अवर LM कर्व। ये सुन लो, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई रिड्यूसेस, मतलब बैंक के पास मनी कम है, बैंक के पास कम है, अगर कोई चीज़ कम है और ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास कम, तो उसका प्राइस बढ़ता था। यस ऑर नो? तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस ऑर नो? सो कॉन्ट्रैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है कि LM कर्व को किधर की ओर शिफ्ट करता है? लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट करता है, लेफ्टवर्ड एंड अप। यस ऑर नो? तो इस कारण देखो, पहले इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग देखते हैं, पहले इंटरेस्ट रेट ये था I0, तो इनकम Y0, अब इंटरेस्ट रेट हमारा कितना हो गया Y1। ये सुन लो, तो सॉरी इनकम कितना हो गया Y1, तो इंटरेस्ट रेट कितना I1। इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा भैया? बढ़ गया। आउटपुट हमारा क्या हो गया भैया? कम गया। कैसे? बिल्कुल उसका उल्टा इफेक्ट है। ये सुन लो, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, खुद बोलो, मनी सप्लाई रिड्यूसेस, बैंक के पास पैसा कम है, इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा करेगी, लोन कंपनी कम लेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा। यस ऑर नो? गेटिंग ना, ये लिंक समझ रहे हो ना? क्या फिर से? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना है, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम गया, मनी सप्लाई अगर कम गया तो बताइए बैंक के पास पैसा कम है, कम पैसा है तो बैंक क्या सोचेगी? ज़्यादा इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तुम अगर कंपनी को लोन लोगे? नहीं लोगे। इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कम हुआ या ज़्यादा? कम होगा। अब मशीन क्या करोगे? कम कर दोगे। आउटपुट प्रोड्यूस कम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस ऑर नो? इनकम कम होगा, GDP कम होगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें शिफ्ट किधर करेगा LM कर्व? राइटवर्ड करेगा। इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रिड्यूस होगा। और इसमें लेफ्टवर्ड, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है कि कैसे इफेक्ट होता है LM कर्व का मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा क्या है कि देखिए, अब क्या है कि एक ये वंस अगेन, अब हमारा ये टॉपिक है कि हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री अलग अलग उसके अंदर कैरेक्टर है, हर कंट्री का इकोनॉमी अलग अलग है। जैसे यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ लेबर यूनियन ज़्यादा है, इंडिया में लेबर यूनियन कम है, है ना? तो हर कंट्री का इकोनॉमी अलग अलग है, तो कोई भी पॉलिसी है तो वहाँ पर इफेक्ट वो क्या करेगी? अलग अलग करेगी। यस ऑर नो? सो अब देखना है, यहाँ से देखना क्या देखना है हमारा। हम जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, यस ऑर नो? दैट इन मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी सप्लाई अगर चेंज करते हैं भैया, चेंज इन मनी सप्लाई, तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या करेगा? चेंज करेगा। यस ऑर नो? ये तो जान। अब कोई कंट्री देखो, कोई कंट्री हो सकता है उसमें मनी सप्लाई होने के कारण इंटरेस्ट रेट ज़्यादा तेज़ी से चेंज करे। यस ऑर नो? तो सभी कंट्री का अलग अलग कैरेक्टर है, तो कोई कंट्री जो है वो क्या कर सकता है? तेज़ी, फास्ट से चेंज कर सकता है। यस ऑर नो? इंटरेस्ट रेट के साथ। और कोई कंट्री जो है वो क्या है? वो स्लो चेंज कर सकता है। इंटरेस्ट रेट वहाँ स्लो चेंज होता हो, मनी बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो कम और बढ़ रहा है उसका गति स्लो है। गेटिंग माई पॉइंट? यस ऑर नो? सो ये चीज़, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं ये समझना, एक बहुत ही तगड़ी नाम है, दैट मीन्स सेंसिटिविटी ऑफ
डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट। बहुत लंबा चौड़ा लिख दिए है ना, सेंसिटिविटी मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे तुम मनी की कितनी डिमांड करते हो, समझ रहे हो, कितनी गति से तुम डिमांड करते हो। इंटरेस्ट रेट अगर कम रहा है या बढ़ रहा है तो तुम कितनी गति से डिमांड करते हो, दैट्स मीन्स दिस। एंड इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एच। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो कुछ याद आया, एच एच कब कहाँ से आया था, एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई है कि नहीं। एल यहाँ पर डिमांड फॉर मनी का ये इक्वेशन था, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू वाई इनकम के, ठीक है, कि यहाँ पर क्या था, सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर मनी टू इनकम, इनकम के साथ है तो इनकम, और इंटरेस्ट रेट के साथ है तो डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट, एच का मतलब, ठीक है। तो ये एच ही बहुत बड़ा खेल करेगा, देखिए क्या खेल करेगा, आप समझिए। कोई कंट्री जो है इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी मतलब मनी सप्लाई चेंज हुआ ना, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, ठीक है, तो कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गति या तेज गति से चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग मानते हैं कि बहुत ही तेज गति से चेंज होता है, मतलब उस कंट्री के अंदर सेंसिटिविटी है डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का, वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर फास्ट है चेंज, अगर फास्ट हो रहा है, मतलब एज का वैल्यू क्या होगा भैया, ज़्यादा होगा, यस और नो, यस। और अगर स्लो है तो एज का वैल्यू क्या होगा भैया, कम होगा, यस और नो, यस। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। सो दिस, वन सेकेंड प्लीज, ये सुनो दिस। तो एज का अगर वैल्यू क्या है हमारा, फिर से इंटरेस्ट रेट फास्ट तेजी से अगर चेंज कर रहा है, मतलब एज का वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, अगर कम से कर रहा है तो एज का वैल्यू कम, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हम, अब देखना अगर एज का वैल्यू, हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बात किए थे कि अगर ये एच है, इसका वैल्यू ज़ीरो और इन्फिनिटी ये बीच है, ठीक है, ये बीच, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था क्या, कि एच का वैल्यू, ठीक है, एच का वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, एच का वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, एच का वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण वो कैसा बन जाएगा, हम लोगों ने बात किया था कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर मनी है, वो कैसा चेंज कर जाएगा हमारा, जब एज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लैटर, ये सुनो, जब एज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कैसा चेंज करेगा, फ्लैटर, और जब एज का वैल्यू कम होगा तो कैसा चेंज करेगा, स्टीपर, समझ रहे हो। एज का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कैसा बनेगा, फ्लैटर, और एज का वैल्यू कम है तो कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन, अगर प्रॉब्लम है तो पीछे जा करके देख सकते, ठीक है। तो ये चीज़, अब उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, मनी सप्लाई डिमांड फॉर मनी चेंज हुआ, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, एज का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, एज का वैल्यू कम हो सकता है, यस और नो। एज का वैल्यू अगर ज़्यादा है जिस कंट्री में, मतलब ज़्यादा जल्दी से चेंज करता है इंटरेस्ट रेट, है कि नहीं, मनी सप्लाई चेंज होने के कारण, तो बताइए वहाँ पर कैसा बनेगा, फ्लैटर या स्टीपर बनेगा, फ्लैटर बनेगा, यस और नो, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर एज का वैल्यू कम है तो कैसा बनेगा, ये स्टीपर बनेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझ रहे हो, मतलब जो कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा सेंसिटिविटी है डिमांड फॉर मनी का, मतलब वहाँ पर एज का वैल्यू ज़्यादा होगा, वही तो, उसी को तो एज कहते हैं, और कैसा बनेगा, वो फ्लैटर बनेगा। सो फ्लैटर हम लोग किसे कहते हैं, फ्लैटर हम लोग कहते हैं, ये अगर LM है, दिस इज़ आवर LM कर्व, फ्लैटर का मतलब है ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये सो जा रहा है धीरे धीरे, ये हॉरिजेंटली होकर के सो जा रहा है। स्टीपर का मतलब कि ये कुछ ऐसा है, ये LM कर्व, तो स्टीपर का मतलब ये कुछ खड़ा हो जा रहा है, दैट इज स्टेट वाइज कुछ ऐसा हो जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसा बनेगा, LM कर्व कब चेंज करेगा, कंट्री टू कंट्री, समझ गए ना। तो ऐसे जिस कंट्री में ज़्यादा है सेंसिटिविटी है, मतलब LM कब वहाँ कैसा बनेगा, बताओ यार कैसा बनेगा, वहाँ स्टीपर नहीं, फ्लैटर बनेगा, है कि नहीं। जहाँ पर कम सेंसिटिविटी है इंटरेस्ट रेट का, वहाँ पर कैसा बनेगा, जहाँ पर कम है वहाँ पर स्टीपर बनेगा। तो कन्फ्यूजिंग चीज़ है, हल्का सा ध्यान रखना, कम होगा तो स्टीपर बनेगा,
और अगर ज़्यादा होगा तो लैटर बनेगा एच का वैल्यू। तो ये चीज़, अब देखिए एक न्यू चीज़ आता है जिसका नेम है क्या, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ये क्या है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, समझना कुछ नहीं है। देखिए छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ये है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना चेंज करता है, टोटल एग्रीगेट डिमांड, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। समझो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस के कारण एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंजेस आए, दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। इसमें दो इफेक्ट होता है, समझना इस दो इफेक्ट को, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हुआ, ठीक है, सपोज दैट ये एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, लेट हम लोग मानते एक्सपेंसरी मतलब मनी सप्लाई यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो गया भैया, कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब सोचो तुम्हारे पास पैसे हैं, सपोज डैट पैसे, मतलब ये 5% से सपोज डैट 3% पे इंटरेस्ट रेट हो गया। हम लोग पढ़े एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होता है। तुम्हारे पास पैसे 1000 रुपये, तुम सोचो बैंक में डिपॉजिट कर लें। अब पहले 5% था, तुम डिपॉजिट कर, अब 3% हो गया, तुम डिपॉजिट करोगे वो पैसे, सोचोगे अरे यार इस पे कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्यों यहाँ बैंक में डिपॉजिट करना, चलो स्टॉक मार्केट में कर लेते हैं, चलो कहीं और कर लेते हैं इस पैसों को इन्वेस्ट, ये सुनो हे 1000 रुपये को। तो पहला इफेक्ट तो ये हुआ, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं वंस अगेन पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, तो डिफरेंट जैसे तुम्हारे पास डायनेमिक सेक्टर है जहाँ पर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, इस सारे डायनेमिक सेक्टर को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पार्टिकुलर जगह उस चीज़ को, कहीं स्टॉक हो गया, कहीं पे म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, कहीं पे ETF हो गया, कहीं पे गोल्ड हो गया, तो सारे ये सब को पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण क्या हुआ कि तुम जो पहले सोचे थे वहाँ पर इन्वेस्ट करना, तुमने अपना डिसीजन को बदल लिया और ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये सुन लो। सो दिस इज नोन एज पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण पहला क्या करता है, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। दूसरा क्या, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा या कमा भैया, अरे भैया बताओ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट है सर नो? सो ये दूसरा इफेक्ट हुआ कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण दो इफेक्ट है, एक तो पहला पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है कि तुम पहले जहाँ इन्वेस्ट करना सोचे थे अब तुमको चेंज करना पड़ रहा है, एंड दूसरा इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं, ये सुन लो। सो दिस मीन्स आवर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, गेटिंग माई पॉइंट, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके अंदर, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इसके अंदर टू एक्सट्रीम केस LM कर्व के अंदर दो एक्सट्रीम केस हैं, ठीक है, क्या एक्सट्रीम केस है, देखिए ये अगर अभी समझ गए तो फिस्कल पॉलिसी में बिल्कुल ईजी हो, समझ रहे कि नहीं, ये चीज़ दो एक्सट्रीम केस हैं। एक्सट्रीम केस क्या है, समझना, अब हम लोग जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी को में चेंजेस लाता है, उसके कारण इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। मेन कहानी इंटरेस्ट रेट पे सारा टिका हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं, इंटरेस्ट रेट पे सारा चीज़ मेन का इंटरेस्ट रेट चेंज करता है। अब समझना इंटरेस्ट चेंज करता है, कहीं कमता है जब एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, और बढ़ता है इंटरेस्ट रेट जब कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है तब, ये सुन लो। तो ये अब देखो हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट कभी कभी कम होते होते बिल्कुल कम हो जाए, दैट्स मीन्स इज इक्वल टू जीरो, गेटिंग माई पॉइंट, सुन लो, इंटरेस्ट रेट मतलब वो चेंज होते होते बिल्कुल कम हो जाए, ये सुन लो, मीन्स बिल्कुल दम नीचे, ये सुन लो, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर हो जाए, ये हो सकता है। और चाहे दूसरा कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए, ये सुन लो, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़े, ठीक है। तो अब देखना ये दो सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन, हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा, एकदम कम हो जाए पहला सिचुएशन, दूसरा हम लोग जानते हैं कि बढ़ता है कॉन्ट्रैक्टिव, एकदम बढ़ जाए, सो दूसरा सिचुएशन। अब देखना जो पहला है ये एकदम कम हो जाए, उस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, गेटिंग माई पॉइंट, जब
समझ रहे हो, लिक्विडिटी ट्रैप कब कहेंगे, जब इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम हो जाए, मिनिमम स्तर पर, उससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकते, दैट्स मीन लगभग जीरो इंटरेस्ट रेट। मतलब तुम 100 रुपये बैंक में जमा कर रहे हो, तो अगर 5 साल के बाद निकालो तो वो 100 ही रुपये हैं, बिकॉज 0% इंटरेस्ट रेट तुमको बैंक दे रहे। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस कंडीशन इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। और इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए, समझो, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं क्लासिकल केस। कौन सा केस? क्लासिकल केस। दो कंडीशन, लिक्विडिटी ट्रैप में तुमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब चेंज ही नहीं करे, इनसेंसिटिव हो, समझ रहे, इनसेंसिटिव। सेंसिटिव अगर होता तो एज का वैल्यू क्या होता, ज्यादा होता, यस और नो? यहाँ पर एज का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव, मतलब एज का वैल्यू क्या हुआ, कम। और एज का वैल्यू कहाँ तक कम हो सकता है, मिनिमम जो हम लोगों ने बात किया था ऊपर में, एज का वैल्यू कम हो सकता है जीरो तक। मतलब लिक्विडिटी ट्रैप में एज का वैल्यू क्या होगा हमारा, जीरो होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो, समझना एज कितना इंपॉर्टेंट खेल खेल रहा है, ठीक है। दूसरा क्लासिकल, क्लासिकल केस में क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, बहुत का मतलब बहुत, इनफाइनाइट, लेट सपोज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बिल्कुल सेंसेटिव है, हल्का सा मनी सप्लाई चेंज करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऐसे भागता है बिल्कुल अपर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एज का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, एज का वैल्यू, एज क्या है, वही तो है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट चेंज के डिमांड फॉर मनी बहुत बढ़ गया, मतलब एज का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट, यस और नो? तो एज का वैल्यू लिक्विडिटी ट्रैप में एज, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट इज जीरो और इन्फिनिटी, जीरो। और क्लासिकल केस में इन्फिनिटी। गेटिंग? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अच्छे तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पहले अच्छे तरीके से बात करते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप कब सिचुएशन को कहते हैं, ऐसे सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज ना करे, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण, इफ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण इंटरेस्ट रेट डज नॉट चेंज, समझ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं करता, दैट्स मीन्स क्या, इनसेंसिटिव, यस और नो? इनसेंसिटिव, और इनसेंसिटिव बिल्कुल इनसेंसिटिव है, बिल्कुल एज का वैल्यू कम है, कम कहाँ तक हो सकता है, जीरो तक। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं, वैसा कंडीशन जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी RBI चेंज करना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट, तो चेंज होगा ही नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर एज का वैल्यू क्या होगा, जीरो। हमने बोला था कि एज का वैल्यू अगर कम होता तो कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। फ्लैटर का मतलब ये कुछ ऐसा सो जाना, यस और नो? और मैक्सिमम फ्लैटर कब हो सकता है, जब एज का वैल्यू जीरो हो, और मैक्सिमम फ्लैट का मतलब ये कुछ बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाना, बिल्कुल सो गया, यस और नो? सो दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, जहाँ पर एज का वैल्यू जीरो होगा, तो इस तरीके से हमारा LM कर्व बनेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल फ्लैटर, 100% फ्लैटर मीन्स हॉरिजॉन्टल। और इसी कंडीशन को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। गेटिंग माई पॉइंट? जहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये LM कर्व, और ये हमारा हो गया IS कर्व, LM एंड दिस इज IS। सो दिस कंडीशन इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप, जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इंटरेस्ट रेट पे कोई फैक्टर नहीं पड़े, इस चीज़ को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अब समझना लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, हम लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन इफेक्टिव है, यस और नो? इन इफेक्टिव, चेंज नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट बिल्कुल, तो कौन इफेक्टिव है ये बताइए, कौन इफेक्टिव है? तो ये हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, बस यहाँ छोटा सा गाइड दे रहे हैं छोटा सा गाइड ये दे रहे हैं कि देखना, छोटा सा गाइड है कि अगर फिस्कल पॉलिसी चेंज करते, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्स हो गया, ठीक है, सब्सिडी हो गया, ये सब चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो किसको इफेक्ट करता है, IS कब, तो IS कब किधर की ओर शिफ्ट करता है, राइट वार्ड की ओर, ये सुनो, राइट वार्ड की ओर। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्ट रेट वही है,
जीरो, ये सुन लो, जीरो मतलब मिनिमम लिक्विडिटी ट्रैप में कंडीशन, लेकिन हमारा आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी जो है भैया बिल्कुल इफेक्टिव, 100%। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? सो इन लिक्विडिटी ट्रैप विच पॉलिसी इज इफेक्टिव एंड विच पॉलिसी इज इनइफेक्टिव? विच पॉलिसी इज इफेक्टिव? फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव एंड विच पॉलिसी इज नॉन इफेक्टिव? दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है, मतलब निचले स्तर पर है। अगर चेंज करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्टरी अपना है चाहे एक्सपेंसरी अपना है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है। यस और नो? डिमांड फॉर मनी बिल्कुल इनसेंसिटिव है, समझ रहे हो? तो इस कंडीशन को हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अब समझना लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में, अब समझना क्या हुआ था कि हमारा जानते हैं कि 2007 से 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर। ये सुन, फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया था? लेमन ब्रदर, ठीक है, लेमन ब्रदर हाउसिंग एक थे जो कि हाउसिंग लोन बिल्कुल देते थे, इनके कारण आया था। हुआ था क्या कि देखो, इकॉनमी जब कोई भी ज़्यादा सोचने लगता है ना, तो फिर गड़बड़ी आती। अब क्या था कि सोचा कि सभी को चीप हाउस देंगे, ठीक है, सभी को बिल्कुल सस्ते में लोन देना, घर नए नए घर, नए नए बिल्डिंग्स खरीदने के लिए सभी को सस्ते में बिल्कुल लोन देना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब बैंक ने पैसा बढ़ाया, ये क्या, RBI ने, हमारा सेंट्रल बैंक ने मनी प्रिंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, मनी पैसा बैंक के पास क्या हुआ, पैसा ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया, बैंक के पास क्या हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और इस इंटरेस्ट रेट कम पर ये हाउसिंग लोन क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया। ये सुन लो, हाउसिंग लोन हमारा क्या हो गया, ज़्यादा। तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे इतना कम होते गया ना, और लास्ट में क्या हो गया कि ये लेमन ब्रदर जो था, ये लास्ट में ये क्या हो गए कि ये क्रैश हो गया, बिल्कुल इकॉनमी बिल्कुल क्रैश हो गई, ठीक है, लेमन ब्रदर दिवालिया घोषित हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोन इतनी चीप में मिल रही थी, ठीक है, इतने सारे लोग अपने अपने घर खरीदने लगे, ये खरीदने लगे, और लास्ट में लेमन ब्रदर जो है वो डिफॉल्टर हो गया, पूरा इकॉनमी बैठ गई, और इस तरीके से बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब समझ लो, मतलब बैंक ने चीप इंटरेस्ट रेट पे एकदम बिल्कुल लो इंटरेस्ट रेट पे देता गया, ठीक है, लोन, ताकि लोग ज़्यादा घर खरीदे, इकॉनमी हमारा आगे बढ़े, इसलिए। तो 2007-08 के टाइम में क्या हुआ कि हमारा इकॉनमी क्रैश हुआ, और हमारा जो क्रैश होने के कारण क्या हुआ कि पहले तो सरकार ने जो था वो पैसे दे रहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे वो तो लोन के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपना ही रहे थे। क्रैश होने के बाद उसको बचाने के लिए भी सरकार को और एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना पड़ा, और इस कारण से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, दैट इज़ LM कर्व, अगर हमारा दिस इज़ LM कर्व, ठीक है, तो और अपनाना पड़ा, और जिस कारण हमारा क्या हुआ, बिल्कुल ये ऐसे धीरे 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 ये बिल्कुल ऐसे होते 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 ये कुछ ऐसा बिल्कुल फ्लैटर ऐसे हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो इस तरीके से बिल्कुल ये फ्लैटर हो गया, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, हम लोग पढ़ चुके। तो 2007 से 8 के टाइम में अमेरिकन इकॉनमी में, USA में लिक्विडिटी ट्रैप को ऐसा देखा गया, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप कुछ है। अब लिक्विडिटी ट्रैप में हमको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है, मतलब अगर फेडरल जो है, जो कि USA का सेंट्रल बैंक है, वो अगर मनी बढ़ा दे या कम कर दे तो इकॉनमी सुधरेगा या ना सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, बिकॉज लिक्विडिटी ट्रैप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़। तो कैसे सुधरेगा? सरकार से सुधरेगा, फिस्कल पॉलिसी से, ये तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक और कुछ कर सकती है लिक्विडिटी ट्रैप में इकॉनमी को सुधारने के लिए? तो हाँ, सेंट्रल बैंक और कर सकती है। क्या कर सकती है सेंट्रल बैंक? देख, क्या होता है कि इस कंडीशन में
पहली बार ठीक है वर्ल्ड के अंदर एक नाम आया डेट इज नोन एज अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। पहली बार वर्ल्ड के अंदर क्या आया अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है। कब आया? फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम है। अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं समझ? कब इसका यूज़ होता है? जब मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, जो कि लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन के अंदर होता है। अब देखना है अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं जब सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करने लगे, ये अपना एसेट जो है वो ज़्यादा खरीदने लगे। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब क्या करने लगे, जब मार्केट से खरीदने लगे। अब मैंने बोला कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान क्या हुआ था कि हाउसेस बहुत ज़्यादा इकॉनमी में हो गए थे, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम था, तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, खुद से हाउसेस को ख़रीदना स्टार्ट किया। क्यों हाउसेस को खरीदा? सप्लाई को कम किया। क्यों कम किया? ताकि हाउसेस की प्राइस अप हो। प्राइस अप होगी तब ना बैंक्स के पास आएंगे, प्राइस अप होगी तब ना बैंक के पास लोग आएंगे लोन लेने के लिए ज़्यादा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस कारण, क्योंकि वहाँ से फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि बैंक के पास जाएंगे लोग लेने के लिए, तो बैंक अब पहले 0% था, अब बैंक बोलेगा नहीं 1% पे मैं दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट एस ऑन नो? सो इस तरीका से अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो एसेट उसको वो एसेट खरीदना का अपना बढ़ा देती है। अलग अलग चीज़, जैसे यहाँ पर हाउसेस खरीदना बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमारा अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी होता है। अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट। गेटिंग ऑन नॉट? इसके करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो मार्केट अपने आप बैलेंस्ड हो जाती है। फिर से अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं? जब सेंट्रल गवर्नमेंट इन इफेक्टिव हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करने पर, तो ये अनकॉन्वेंशनल होता है। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हाथ पैर जो है वो ज़्यादा फैलाती है, मतलब अलग अलग डायनेमिक सेक्टर में खरीदना स्टार्ट करती है, ताकि वो अपना सप्लाई को कम कर सके और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सके। सो दैट्स मीन्स अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी। सो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके, बट कॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके हम लोग नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट एस ऑन नो? सो दिस दूसरा चीज़ क्या करती कि दूसरा चीज़ क्या किया कि 2008 के टाइम में हमारा क्रेडिट ईजिंग क्या किया गया, क्रेडिट ईजिंग। दूसरा, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, बैंक को बोला कि आप लोग बिल्कुल चुन करके वैसे लोगों को लोन दे जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसे नहीं, जैसे स्टूडेंट लोन देना कम कर दिए, ठीक है, तो ये सब लोगों को लोन जो इम्पोर्टेंट लोन है वो देना स्टार्ट कर दिए, फालतू का लोन देना कम की, मतलब बिल्कुल वैसे वैसे सेक्टर को पकड़े, ठीक है, जहाँ पर उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। गेटिंग ऑन नॉट? सो इस तरीका से दो अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया। पहला लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, हाउसेस वगैरह ये सब सारे को खरीदा गया, समझ रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़। एंड दूसरा जो है वो डायनेमिक बिल्कुल परफेक्ट जगह चुने हुए लोगों को ही लोन देना स्टार्ट किया, ठीक है, फालतू का लोन देना कम किया और जो जिनके लिए इंपॉर्टेंस है उन्हीं को लोन देना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप से अमेरिकन इकॉनमी हमारा बाहर आई, ठीक है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करने के कारण। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ नहीं किया गया, अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी प्लस फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज़। अब हमारा आगे आता है, हम लोगों ने लिक्विडिटी ट्रैप देख लिया, अब हम लोगों का आता है क्लासिकल केस, जो कि दूसरा हमारा है एक्सेप्शनल कंडीशन। क्लासिकल केस क्या कहता है? क्लासिकल केस कहता है कि डिमांड फॉर मनी जो है वो बिल्कुल अप हो जाए, हल्का सा मनी सप्लाई चेंज हो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ऐसे भागे, अप भाग,
हल्का सा मनी सप्लाई सरकार ने बढ़ाया कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया, अप या डाउन, समझ रहे हो? मतलब ज़्यादा चेंजेस हो, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, ठीक है, दैट्स मीन्स क्लासिकल केस, समझ रहे हो? वहाँ पे इनसेंसिटिव था, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज सेंसिटिव टू चेंज इन मॉनेटरी, सॉरी मनी सप्लाई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब हल्का सा सरकार ने बढ़ाया कि इंटरेस्ट बिल्कुल भागा, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इस चीज, तो इसमें कैसा कर्व होता है ये देखना, एलएम कर्व, क्लासिकल केस में हमारा एलएम कर्व जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, वर्टिकल, मतलब हल्का सा मनी सप्लाई इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भागा, समझ रहे हो कि नहीं? इन्फिनिटी, दैट इज आवर एलएम कर्व इज वर्टिकल इन व्हाट, क्लासिकल केस, व्हाई, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन मनी सप्लाई, गेटिंग और नॉट? सो ये हमारा क्लासिकल केस। अब देखो क्लासिकल केस में हमको देखना है कि कौन इफेक्टिव है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी। अब देखो अगर हम लोग फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन सा कर्व को चेंज करता है, आईएस कर्व, सो दिस इज इनिशियल आईएस कर्व। फिस्कल पॉलिसी अगर बढ़ाया गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाया गया, तो आईएस कर्व शिफ्ट करेगा, यस और नो? आईएस कर्व शिफ्ट किया, तो देखो शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर देखो कुछ ना क्या हुआ, हमारा जो इनकम लेवल वाई जीरो था, वाई जीरो ही है, तो फिस्कल पॉलिसी बढ़ने के कारण क्या हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इनकम आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया, कंपनी जितना प्रोड्यूस कर रही थी उतना ही करा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब कंपनी, और ये घटा क्या इकोनॉमी के लिए, ये समझो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट कंपनी कम करेगी, आउटपुट तो बढ़ाया ही नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके ऊपर से ये कंपनी के लिए और घटा किया। सो फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव इन क्लासिकल केस बिकॉज आउटपुट एंड व्हाट, इनकम डज नॉट चेंजेस, ओनली इंटरेस्ट रेट गेट अप, ये समझो? सो फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज इनएफेक्टिव। तो कौन इफेक्टिव है भैया ये बताइए ना, तो कौन इफेक्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारा इफेक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं आइए देखते हैं, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं? अगर ये हमारा ऐसा, ये हम लोगों ने ये बनाया कि ये क्लासिकल केस में एलएम कर्व कैसा होता है भैया, वर्टिकल होता है, ये हमारा क्या है भैया, इनिशियल आईएस कर्व, ठीक है। अब सपोज डैट आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मनी सप्लाई को क्या किया गया, बढ़ाया गया, बढ़ाने के कारण एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट करता है, राइट वर्ड, यस और नो? तो यहाँ पर वर्टिकल है तो शिफ्ट कैसा करेगा, वर्टिकल राइट वर्ड, हाँ या ना? मनी सप्लाई एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी कारण ये इस तरीके से शिफ्ट किया, वाई जीरो से यहाँ पर था, अब इस लेवल पर कितना आ जाएगा, वाई वन, यस और नो? यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमारा क्या था, आई जीरो, तो वाई जीरो आउटपुट, और जब इंटरेस्ट रेट आई वन हुआ तो आउटपुट वाई वन। सो यहाँ पर देखो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया, मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज हुआ, एलएम कर्व शिफ्ट हुआ राइट वर्ड, हम लोग जानते हैं यहाँ पर वर्टिकल है तो वर्टिकल ही राइट वर्ड, इंटरेस्ट रेट हम लोग जानते हैं बट आगे बात कर चुके हैं कि एलएम कर्व अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगा एक्सपेंसरी में, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता, इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, डैट इज वाई जीरो से कितना, वाई वन, गेटिंग ऑन नॉट? सो यहाँ से देखो दो टू एक्सट्रीम केस हम लोगों ने पढ़ा, दो एक्सट्रीम केस, फर्स्ट लिक्विडिटी ट्रैप, सेकेंड क्लासिकल केस। लिक्विडिटी ट्रैप में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलएम कर्व इज हॉरिजॉन्टल, यस और नो, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसमें क्या, एलएम कर्व इज वर्टिकल, यस और नो, ये वर्टिकल होता है, ठीक है, ये बिल्कुल, ये क्या होता है, इनसेंसिटिव टू चेंज इन मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट, ये सेंसिटिव टू चेंज इन मनी सप्लाई, सेंसिटिव, यस और नो? अब हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर जो है वो
मॉनेटरी पॉलिसी एमपी जो है वो क्या होता है, इन इफेक्टिव होता है, यस और नो, देखा हाँ या ना। और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, लिक्विडिटी ट्रैप में बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें और क्या चीज़, अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ किया गया 2008 के टाइम में, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं यूज़ किया गया, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इन इफेक्टिव होता है। क्लासिकल केस में मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इफेक्टिव होता है, अभी ऊपर फिगर में हम लोगों ने देखा। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, डू नॉट इफेक्टिव, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा हो गया कि क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप, क्या होता है क्लासिकल केस, ये दोनों सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बात करनी है आगे, आगे हम लोगों को बात करनी है, वन सेकेंड, आगे हम लोग को देखो कुछ ना छोटा सा और बात करनी है, छोटा सा बात क्या करनी है कि देखो सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा सकती, कितना कम कर सकती, उसका एक दायरा होता है, ठीक है। तो कितना सबसे कम कितना तक कर सकती है, तो सेंट्रल बैंक सबसे कम कितना तक कर सकती है इंटरेस्ट रेट को, ज़ीरो तक कर सकती है कि नहीं। ज़ीरो से अगर कम की तो लोग तो बिल्कुल उस पैसे कभी बैंक की तरफ मुँह भी नहीं देखेंगे, क्योंकि वो 100 रुपये दे रहे हैं, 2 सालों के बाद उनको 98 रुपीज़ मिलती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे कम कहाँ तक कर सकती, ज़ीरो तक। तो उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, उस लिमिट को हम लोग कहते हैं दैट इज़ ज़ीरो लोअर बाउंड, है कि नहीं। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का लोअर लिमिट, कहाँ तक इंटरेस्ट रेट सबसे कम कहाँ तक कर सकती, दैट इज़ लाइक 0%, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो बाउंड लिमिट, ओके। इसमें इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कहाँ तक सबसे कम हो सकता है, दैट इज लाइक 0%, यस और नो, दैट इज 0%। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अगर ग्राफ देखेगा यार, तो ग्राफ कुछ देखना कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये ऐसे आता है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इधर जीरो, बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमारा LM कर्व का अगर ग्राफ देखते हैं, तो ये हमारा कुछ जीरो इंटरेस्ट रेट आई और वाई, तो इस तरीके से कुछ 2008 के टाइम पर हुआ था, समझ रहे हो कि नहीं ये चीज़। तो ये अगर और फिर से अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, रिवाइज़ हम लोगों ने LM कर्व के अंदर क्या पढ़ा कि LM कर्व जो है वो सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों होता है, मनी सप्लाई चेंजेस के कारण, यस और नो। मनी सप्लाई चेंजेस कौन कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करता है, LMEIS को इफेक्ट करता है, किसको करता है, LM को इफेक्ट करता है, यस और नो। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, मनी सप्लाई बढ़ेगा, LM का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, इनकम आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी सप्लाई कम, LM कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यस और नो, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इनकम आउटपुट कम होगा, गेटिंग, यस और नो। सो दिस इज टू टाइप। फिर हम लोगों ने क्या बात किया, फिर हम लोगों ने बात किया ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किसे कहते हैं। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब हमारा मनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होने के कारण एग्रीगेट डिमांड में कितनी चेंजेस हो रही है, तो दो इफेक्ट करती है। पहला इफेक्ट जो करती है वो पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती है, ये सुनो। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, जैसे कि जानते हैं कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करती है, इसके कारण क्या होता है हमारा पहले हम लोगों ने जो सोचा था लेने के लिए वो हम नहीं सोचेंगे लेने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ये सुनो। सो पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण आउटपुट में चेंजेस आता है, सो दैट्स टू इफेक्ट, गेटिंग ऑन नॉट। तो ये दो चीज़। फिर हम लोगों ने बात क्या किया, टू एक्सट्रीम केस देखा, टू एक्सट्रीम केस। फर्स्ट लिक्विडिटी ट्रैप कब, जब इंटरेस्ट बिल्कुल नीचे हो जाए, निचले स्तर पर, दैट इज़ व्हाट, जीरो, यस और नो। वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल यूज़ नहीं, फिस्कल पॉलिसी का यूज़ है, इफेक्टिव है। अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी 2008 के टाइम में USA ने किया। क्या होता है अनकॉन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी, बॉइंग लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी विल, ठीक है, मतलब खरीदना। हाउसेस अगर ज़्यादा मार्केट में है तो हाउसेस को खरीद लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है।